साहिब, यह अपना मतलब के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो गए। वैसा एकता दिखाएगा नहीं, लेकिन मतलब का बात था ना, तो गैट मैट जमा लिया। सुन रहे हैं मिलोड आप, ये तो इतिहास को भी बदलने चला है। हाँ तो इतिहास क्या भगवान ने लिखा है क्या जो सच होएगा? भगवान ने लिखा है क्या? इंसान ने लिखा है ना। ये शहनशाह राजा ये लोग ने जैसा लिखवाया वैसा लिखा, और आज उन तक वही चलता आ रहा है। आहो कहे हे पंड साहब, लॉर्ड माउंटन बैटन का चिट्ठी, माउंटन बैटन का चिट्ठी है। अरे बस अब समझ जाता ना, काय को उठता है बार बार। ये अंग्रेजी में, हाँ ये अंग्रेजी, लॉर्ड माउंटन बैटन की चिट्ठी है साहब। क्या हुआ था, जब ये अंग्रेज लोग अपना देश छोड़ के जा रहा था ना, तभी मेरा दादाजी जाके उनको मिला था, पूरा स्टोरी सुना है साहब, तभी लॉर्ड माउंटन बैटन ने उनको एक चिट्ठी दिया था। अच्छा तुकाराम, तुम्हारे वो परदादा गांधी जी से नहीं मिले? मिला ना, मिला उसको, पर सबूत पढ़ा है, ये देखो, ध्यान आता है। गांधी जी के साथ में मेरा दादाजी साहब, साहब अरे बस ना बाबा, कशाला उठता है सार का सार का, साहब गांधी जी के साथ मेरा दादाजी। ये तो नहीं नहीं, वो मैं नहीं है, मेरा दादाजी है। वो हमारा खानदान में कैसा है, सब लोग एक ही शक्ल लेके एक के बाद एक पैदा हुआ है। अभी सोचो साहब, भगवान ने दिया हुआ ये शक्ल आज तक हम लोग ने किसी को नहीं दिया, तो अपना मालकी का जमीन कैसा देगा? ये छोड़ो, तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा होगा, अरे भाई तुम ये ताजमहल को तोड़ो और अपनी जमीन ले लो। अरे नहीं नहीं, उन्होंने क्या बोला, अभी ये सारा ये बंटवारे का लफड़ा चलता है ना, अभी एक बार ये मैटर हो जाएगा ना, उसके बाद में तुम्हारा मैटर लेगा। लेकिन किसी ना समझ ने उनको गोली मार दी। तो तुकाराम तुम्हें क्या लगता है, ये ताजमहल जो है अब तुम्हें दे देना चाहिए है ना? साहब आपको सबूत चाहिए था, सबूत मैंने आपको दे दिया साहब, और कानून में लिखा है ना साहब कि किसी ने अगर दूसरे का जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो उसको जेल में डालेंगे साहब, और सबूत देखने के बाद वो जमीन जिसका भी है उसको वापस दे देंगे, ऐसा लिखा है ना साहब। बाकी फैसला आपके हाथ में। लैब में भेजकर ये सारे दस्तावेज चेक कराए जाएं, तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है।